Hi viewers, welcome to our channel Street Food Home Food. आज हम लोग जो रेसिपी शेयर करेंगे वो चिकन कीमा करी। तो इसलिए हम लोग चिकन ले लिया आधा किलो, आलू हम लोग दो छोटा साइज इस्तेमाल करेंगे, तीन चार प्याज और से आठ हरी मिर्च, चार पाँच टेबल चम्मच हम लोग तेल इस्तेमाल करेंगे, एक टेबल चम्मच हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया पत्ता, नमक स्वाद अनुसार, टमाटर हम लोग तीन चार पेस्ट बना लिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इलाच पाउडर थोड़ा सा। ये सब से हम लोग बनाएंगे कीमा करी, चिकन कीमा करी। कढ़ाई गर्म हो गया, हम लोग तेल डाल दिया, तेल गर्म हो गया, प्याज को भून के लेना है, प्याज फ्राई हो गया, हम लोग टमाटर पेस्ट जो था वो डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो भी डाल दिया, नमक स्वाद अनुसार डाल दिया, मसाला तो था सब डाल दिया, लो मीडियम फ्लेम पर पकाने का, दो तीन मिनट मसालों को भून के लेना, आलू को थोड़ा भून के लेना, दो तीन मिनट जो है आलू को पका लेने का, थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभी ढक कर दो मिनट पकाने का, अभी चिकन कीमा जो था वो डाल दिया,
मसाला के साथ अच्छे तरह मिक्स करके लेना। दो तीन मिनट दे बुनना डक करा भी। दो मिनट ढक कर पकाने के बाद अभी भुनना है, चार पाँच मिनट अभी भुनना है। अच्छे तरह हम लोग भून के लिया, अभी पानी डाल दिया। अरे मेरी इज्जत वो भी डाल दिया, धनिया पत्ता भी डाल दिया। हल्का सा मिक्स करके ढक के 10-12 मिनट पकाने का, बीच में भी इसमें चला लेने का। हमारा चिकन कोरमा करी रेडी हो गया। हमारा चिकन कोरमा हमारा चिकन कीमा करी रेडी हो गया। चिकन कीमा करी चावल रोटी चपाती सबके साथ खा सकते हैं। व्यूअर्स रेडी हो गया हमारा चिकन कीमा करी रेसिपी। हमारा रेसिपी अच्छा लगे जरूर लाइक किएगा, कमेंट करके बताइएगा अच्छा बुरा, शेयर किएगा दोस्त का भी इसमें। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसा नया नया रेसिपी वीडियो के लिए। थैंक यू।